है ये नोटपैड आ गया है। इसमें सबसे पहले मैं जो है वो HTML लिखूंगा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये कोड ये टैग जो है ये बताता है, ब्राउजर को बताता है कि HTML की कोडिंग जो है वो इसके अंदर हो रही है। और उसके बाद एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, टैग जो है हेड वाला टैग जो है वो यूज करूँगा हेड। और उसके बाद मैं टाइटल का टैग यूज करूँगा ताकि मैं अपनी वेब पेज का जो है वो टैग दे सकूँ। फाइल फर्स्ट वेब यूसीबी ये भी है, मैं अपना टाइटल देना चाह रहा हूँ। टाइटल देने के बाद जो है मैं जो है टाइटल को स्टार्ट किया था और टाइटल को मैं क्लोज करूँगा टैग को। उसके बाद जो है मैं जो हेड टैग यूज़ किया था उसको भी क्लोज करूँगा। तो हेड और टाइटल टैग जो है ये बेसिकली किससे यूज़ किया आपने, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट पेज के जो आप बनाने जा रहे हैं उसका जो टाइटल बार होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर आपका ये टाइटल जो है वो शो होगा। और बॉडी में क्या होता है, बॉडी में बेसिकली HTML की जितनी भी कोडिंग होती है जितने भी टैग होते हैं वो तो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो लिखे जाते हैं और फिर इसके बाद वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें शो हो रही होती थी। तो ये लिखने के बाद जो है अब मैं जो है बॉडी का टैग यूज़ करता हूँ ताकि मैं जो है अपनी फर्स्ट वेब पेज की जो है वो बॉडी भी दे सकूँ। बॉडी में मैं लिखता हूँ पंजाब और कॉलेजेस मेलसी कैंपस, ये जो है ये मैंने अपनी बॉडी तरतीब दी है। उसके बाद जो है मैं बॉडी का जो है टैग जो है इसको मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद जो है HTML जो मैंने स्टार्ट किया था अब उसका जो है HTML टैग को भी मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये एक जो है सिंपल स्ट्रक्चर था HTML का और सिंपल आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इस स्ट्रक्चर को जो है वो सेव करता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ। फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करने के बाद जो है वो मुझसे फाइल का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट के नाम से फर्स्ट डॉट HTML। एक बार यहाँ याद रखिएगा कि जो भी आप HTML के अंदर कोडिंग करेंगे उसकी आप एक्सटेंशन भी HTML ही देंगे। नोटपैड के अंदर जो भी कोडिंग करते हैं आप HTML के हवाले से तो उसका फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट HTML वो लाजमी देंगे। और यहाँ पे एनकोडिंग जो है वो UTF-8 जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूँ और यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव होती होगी और फर्स्ट के नाम से हो गई होगी और ये जो है ये फाइल कन्वर्ट हो चुकी होगी इस नाम से मैं फर्स्ट के नाम से। तो अब जो है मैं इसको जो है वो रन करके देखता हूँ कि ये रन होती है या नहीं। तो उसके बाद जो है मैं अपना अब रिजल्ट देखना चाहूँगा जो मैंने अभी जो है फाइल बनाई है फर्स्ट के नाम से ये फर्स्ट के नाम से। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो आपके सामने ये जो है रिजल्ट आएगा। ये जैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होगा और पैड वाली सारी फाइल जो है वो आपके है इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। और ये देखिए ना आपके सामने ये पहला टाइटल पेज इसका नाम आया माय फर्स्ट वेब पेज ऑफ यूसीबी और ये मैंने जो बॉडी दी थी आप लोगों को पढ़ जिंदल थी। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आया। उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ
नोटपैड के अंदर मैं अब एक इमेज दाखिल करना चाह रहा हूँ, एक तस्वीर को दाखिल करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा। सबसे पहले जो है ये जो मैंने बॉडी दी थी, बॉडी के अंदर जो है मैं एक जो है लाइन ब्रेक करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बॉडी के बाद वो लाइन ब्रेक हो, और लाइन ब्रेक होने के बाद क्या हो कि मेरा इमेज शो हो। तो यहाँ पे मैं बॉडी लेकर बॉडी लाइन ब्रेक का जो है वो यूज करूँगा BR के नाम से, और ये टैग यूज करूँगा। ये बेसिकली क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे जो है मैं इमेज जो है वो लाना चाह रहा हूँ। मैं अब यहाँ पे इमेज का टैग यूज करूँगा IMG, लिखने के बाद मैं SRC इज इक्वल टू यहाँ पे डबल कोटेशन में हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जो कि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है। एक फाइल है जिसका नाम मैंने सर रखा हुआ है, sir.jpg के नाम के साथ जो है वो फाइल मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है। अब इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, इसका मैंने लोकेशन दी, पाथ दी, और स्पेस देने के बाद \\ यूज की, और उसके बाद ये जो है मैंने इसको मन कर दिया। अब जो है मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है मैं दोबारा अब इंटरनेट अपनी वो फाइल खोलता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाली फर्श वाली। यहाँ से मैं ये देखें, ये रिफ्रेश का बटन है, या यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, या आप F5 प्रेस करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने जो है अब इमेज भी शो हो रहा है। अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, ये इमेज काफ़ी बड़ा जो है पेज के ऊपर शो हो रहा है, तो इसको जो है मैं करता हूँ कि इसकी जो है हाइट और विड्थ जो है वो कम कर देता हूँ, ताकि एक मुनासिब जो है वो जो है इसका जो है रिजल्ट हमें शो हो पेज के ऊपर। तो ये एज इट इज ऐसे ही रहने दिया जाएगा, ये फाइल जो है sir.jpg। उसके बाद जो है डबल कोटेशन के बाद मैं क्या करूँगा, स्पेस देकर हाइट लिखूंगा। हाइट लिखने के बाद मैं इज इक्वल टू बता देता हूँ कि डबल कोटेशन के अंदर जो हाइट है इसकी 300 जो है वो शो करवाए, और उसके बाद मैं स्पेस देने के बाद इसकी विड्थ जो है वो मैं कहता हूँ कि वो जो है 500 मुझे शो करवा दो। डबल कोटेशन में मैं 500 लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है बाकी सारा कुछ एज इट इज रहने देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और मैं फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर वाली फाइल खोलता हूँ, और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे इमेज आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ या फाइल करता हूँ, तो ये जो है यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का आया है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एरर इसका आया है, दोबारा हम वहाँ पे चेक करते हैं कि एरर किस चीज़ का। हाँ, डबल कोटेशन हमने नहीं डाला 500 के एंड पे, इस वजह से उसने एरर दिया है। हम दोबारा जो है सेव करके रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारे जो है फोटो इमेज जो है वो बिल्कुल उस हिसाब से होगी जो हमने रेंज दी थी 300 और 500 वाली।